आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन गिरिडीह पहुंचे। आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन गिरिडीह के झंडा मैदान में पहुंचे और वहीं बताते चले कि ग्रामीण क्षेत्र से लगभग लाखों की संख्या में लोग पहुंचे थे। चलिए देखते हैं स्टार सिटी 24 के संवाददाता नवीन कुमार के साथ खास रिपोर्ट में। नमस्कार जोहर, मैं नवीन कुमार और आप देख रहे हैं स्टार सिटी 24। लेकिन मैं गिरिडीह जिले के झंडा मैदान में मौजूद हो रहा हूँ। इन दिनों आप लोग घूम ही रहोगे, आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार के कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए आज झंडा मैदान में मुख्य रूप से माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी आए हुए थे। और यहाँ पे जो उनको दादा जो गुजार है उनसे हम बात करेंगे और जानना चाहेंगे। और अच्छा, वही दिलवाया, मतलब मुखिया जी दिलवाए हैं, मुखिया जी वार्ड, अच्छा वार्ड वार्ड साहब दिलवाए हैं। कितना दूर से आए? मरलालो से। अच्छा, तो मुख्यमंत्री जी जब भाषण दे रहे थे सुन रहे थे कि नहीं? पहली बार देखे कि और भी कभी देखे थे? पहली बार लोग आए हैं। अच्छा, पहली बार आप लोग आए हैं। हाँ। सब आप लोग कुमार लालो से ही है? हाँ। लेकर आए हैं। अच्छा, आप ही हैं, आप ही लेकर आए हैं? पंचायत से लेकर आए हैं जी। आपका नाम क्या हुआ? नीरू साहू जी। वार्ड नंबर 10 से हमें। वार्ड नंबर 10 से वार्ड सदस्य। कमल मिला और आप लोगों को मिलता है कि नहीं? विधवा पेंशन मिलता है कि नहीं? विधवा पेंशन मिलता है कि नहीं? सबको सबको मिलता है। एक भी मेरा 60 साल से ऊपर तो सबको हम इतना अच्छी किए हैं कि सबको वृद्धा पेंशन मिलता है। सबको सबको जोड़ कर रखे हैं, जिसका 60 साल से प्लस का है अपना मेरा वार्ड में जितना है सबको हम जोड़ कर रखे हैं, सबको वृद्धा पेंशन मिलता है। टोटल देखते हैं, एक भी नहीं छोटा है। जी, और अभी हमारे साथ एक भैया मौजूद है, उनसे हम बात करेंगे और जानना चाहेंगे। जी भैया बताइएगा, कितना दूर है? चार जिला का यहाँ पे एक साथ में यहाँ पे आज बैठक था। आपकी योजना आपके सरकार आपके द्वार ये कार्यक्रम ऐतिहासिक कार्यक्रम है। मुख्यमंत्री के द्वारा ये जो कार्यक्रम चलाया जा रहा है, ये मुझे लगता है कि पूरे भारतवर्ष में सिर्फ झारखंड ही एक ऐसा राज्य है जहाँ पे 83 योजनाओं के साथ ये राज्य सरकार अपने यहाँ के मूल निवासियों के साथ में खड़ी होकर के उनकी सारी सुविधा का ख्याल रखते हुए उनको हर सरकारी संपत्ति से जोड़ने का काम कर रहे हैं। जी भैया, आप जैसे आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार के कार्यक्रम हरी के ग्रामीण क्षेत्र में कैंप लगा रहे हैं, बिल्कुल ये लग रहा है कि आपको कहीं ना कहीं ये सफल दे रहे हैं? बिल्कुल, जाहिर सी बात है कि जब यहाँ पे सारे लोग, आप अभी थोड़ी देर पहले आप मैं देख रहा था काफ़ी देर से आपको, आप यहाँ पे काफ़ी बुजुर्ग यहाँ पे खड़े, आप कैमरा घुमा के दिखा सकते हैं, ये सारे लोग जितने भी सरकारी संपत्तियों का लाभ ले रहे हैं। अभी आप देख रहे हैं कि ठंडा के मौसम में इनको कंबल भी वितरण किया जा रहा है और अनाज जो है आपको मालूम है 1 रुपये किलो चावल भी दी जा रही है कोटे के माध्यम से। ये तो पूरे वार्षिक कार्यक्रम है, लेकिन इस बीच बीच में ये सरकार के द्वारा आपकी सरकार आपकी आपके द्वार ये जो योजना चलाया जा रहा है, ये हर ग्रामीण को इससे जोड़ के मूलभूत सुविधा जो सरकार की तरफ से डायरेक्ट उसके हाथ में जाए, बिचौलियों के हाथ में ना जाए, इसलिए सरकार इनको ये सुविधा उपलब्ध करा रही है। ना कि ब्लॉक में जाने की ज़रूरत है, भाड़ा खर्च होता था, बहुत कुछ होता था, उसमें बहुत लोगों के पास पैसा नहीं होता था, तो सरकार खुद गांव पे पहुंच पहुंच के अंतिम व्यक्ति तक ये योजना पहुँचाने का काम कर रही है। हालांकि जो जो बता रहे भैया जो बोल रहे हैं उनके द्वारा कहीं ना कहीं सही बताया जा रहा है, कहीं ना कहीं ब्लॉक में दौड़ना पड़ता था, लेकिन हर एक ग्रामीण क्षेत्र में हर एक गांव में जा जा करके वहां पे कैंप लगा करके गरीबों के लिए जैसे कंबल वितरण और कई कई योजनाओं का लाभ ले रहे हैं। गिरिडीह से नवीन कुमार।